हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 20 महीने की बच्ची ने 5 नई जिंदगियां लौटाई और पुलिस ने एमडी के साथ कहा आरोपी को पकड़ा और बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। चलती कार में कहां लगी आग, 345 किलो गांजे के साथ आरोपी कहां हुआ गिरफ्तार, ये सब खबर देखिए हमारे आज के टॉप 5। पर सबसे पहले आपको एक नन्ही सी बच्ची की खबर सुनाते हैं। दिल्ली की रोहिणी इलाके की 20 महीने की बच्ची की जान तो चली गई मगर ये 5 लोगों को एक नई जिंदगी देकर गई। 20 महीने की बच्ची धनिष्ठा के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है। 8 जनवरी को खेलते समय ये मासूम बच्ची छत नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि बच्ची का ब्रेन डेड हो गया था मगर शरीर के अंग काम कर रहे थे। माता पिता ने बच्ची के अंगों को दान करने का फैसला लिया। धनिष्ठा का हार्ट, लीवर, दोनों किडनियां और कॉर्निया को 5 अलग अलग जूझ रहे मरीजों को प्रत्यारोपित कर दिया गया। इस तरह से धनिष्ठा नन्ही सी उम्र में तो दुनिया छोड़ गई मगर जाते जाते 5 नई जिंदगियां दे कर गई। वही दूसरी खबर मुंब्रा से है, जहां मुंब्रा पुलिस ने सूचना मिलने पर 20 वर्षीय समीर जेठा खत्री नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 105 ग्राम एमडी बरामद किया गया है जिसकी कीमत 2,63,700 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में समीर ने बताया कि इरफान फल्ली और अफाक बाबा के पास से ये एमडी लेकर बेचा करता। खबर ईस्टर्न हाईवे से है, जहां मुलुन टोल नाके के पास एक चलती कार में आज सुबह भयानक आग लग गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कार में किस तरह से ये भयानक आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक मिनी बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बस पर्यटकों को लेकर गोवा जा रही थी। हादसे में वाहनों के परकच्छे उड़ गए हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है। कुछ यात्री घायल भी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मुंबई के साकीनाका में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद किया गया गांजे का वजन 345 किलोग्राम बताया जा रहा है। आरोपी पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।